गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर टू। द चैप्टर नेम इज प्लांट्स आवर ग्रेट फ्रेंड्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड, वी गेट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग अलग अलग तरीके का, अलग अलग प्रकार के हम लोग फल सब्जी हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो प्लांट से हम लोग लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स आवर ग्रेट फ्रेंड ये क्यों कहा गया है और ये होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्लांट्स आवर ग्रेट फ्रेंड मतलब कि जो पेड़ है वो एक तरह से हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जिसको हम लोग ग्रेट फ्रेंड्स कहते हैं, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों है? वी कॉल पार्ट प्लांट्स आवर ग्रेट फ्रेंड बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस। क्यों हम लोग उसको ग्रीन फ्रेंड्स कहते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, बहुत लाभकारी है, हमारे लिए बहुत काम में आता है। दे गिव अस फूड, वो हमें क्या देता है? तो फूड देता है मतलब भोजन देता है, मेडिसिन मतलब दवा देता है, क्लॉथ मतलब कपड़ा देता है, वुड मतलब लकड़ी, ऑयल मतलब तेल, पेपर एंड मैनी थिंग्स। हम लोग बहुत और भी कुछ पाते हैं, हम लोगों को और बहुत कुछ मिलता है। तो ये सब कहाँ से मिलता है? तो सारा चीज़ ये प्लांट से आता है, ठीक है। दे ऑल्सो गिव फूड टू मैनी एनिमल्स, साथ ही साथ जो प्लांट है वो जानवरों को भी खाना देता है। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, प्लांट्स क्या करता है कि हमारा जो एयर है, ठीक है, उसको हमेशा क्या करता है, फ्रेश रखता है और क्लीन रखता है, मतलब साफ रखता है, ठीक है। दे मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, और साथ ही साथ हमारे जो वातावरण है, जो हमारे चारों बगल की जो खूबसूरत को बना के रखता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे जो भी आसपास में जितने भी सराउंडिंग्स मतलब चारों ओर ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर बना के रखता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्लांट गिव अस फूड, प्लांट हमें क्या करता है, खाना देता है। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, हम लोग जो भोजन, ठीक है, या हम लोग को जो सब्जी मिलता है, ठीक है, या खाना मिलता है, तो हम लोग पेड़ से मिलता है, लेकिन पेड़ के अलग अलग प्रकार का अलग अलग जो पार्ट है उससे भी हम लोग को भोजन मिलता है। जैसे कि इफ वी ईट रूट स्टीम लीव फ्रूट एंड फ्लावर एज वेजिटेबल्स सीड्स एंड सेरल्स एंड पल्सेज, हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग को कुछ सब्जी ऐसे होते हैं जो कि रूट से मिलता है, कुछ सब्जी ऐसे होते हैं जो स्टीम से मिलता है, कुछ लीफ से, कुछ फ्रूट से, कुछ फ्लावर से, जो कि वो किसके रूप में होता है, तो एज वेजिटेबल्स मतलब सब्जी के रूप में होता है। जैसे कि कुछ ऐसे होता है जो सीड से होता है, जिसको हम लोग सेरल्स मतलब अनाज या पल्सेस मतलब दाल, ये सभी चीज़ कहाँ से आता है? तो प्लांट से ही आता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ प्लांट से आता है, जो कि अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग पार्ट है प्लांट्स के, जहाँ से हम लोग को मिलता है। जैसे सबसे पहले है रूट मतलब जड़, जिसमें हम लोग को रेडिश और कैरेट मिलता है, जो कि ये रेडिश मतलब वो क्या, जिसको हम लोग मूली कहते हैं, कैरेट मतलब जो गाजर हो गया, ये सभी चीज़ क्या है कि जमीन के अंदर होता है, जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। स्टीम जैसे हम लोग जिंजर शुगर कैन मतलब ईक हो गया, ये सभी चीज़ कहाँ से आती है? तो स्टीम से मिलता है। लीव्स मतलब पत्ता, स्पाइनल जो साग होता है, और कैबेज मतलब बंद गोभी, ये कहाँ से हम लोग को मिलता है? तो लीव से मिलता है। फ्रूट मतलब फल, जैसे कि एप्पल बनाना, ये सभी क्या है, फ्रूट्स है। सीड में जैसे कि माइज और पीज, माइज मीन्स मक्का हो गया, और पी मीन्स मटर, मटर हम लोग देखते हैं कि दाना होता है जो अंदर में होता है, जिसको हम लोग सीड्स बोलते हैं। आगे है फ्लावर में कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, जिसको हम लोग कॉलीफ्लावर, जिसको हम लोग फूल को भी बोलते हैं, और ब्रोकली, ब्रोकली का मतलब होता है जो हरे रंग का फ्लावर होता है, जिसको हम लोग हरा फूल को भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या था कि अलग अलग पार्ट से हम लोग जो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट है उससे हम लोग को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलता है। अब आगे देखते हैं, वी ऑल्सो गेट नट्स फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग जो है सो बादाम, नट मीन्स बादाम होता है, तो वो भी हम लोग कहाँ से मिलता है? तो प्लांट से मिलता है। नट्स आर ड्राई फ्रूट, ये क्या है कि सूखा फल है, विथ ए वेरी हार्ड सेल, जिसका छिलका जो है, ठीक है, वो काफ़ी हार्ड है, ठीक है, हार्ड सेल मीन्स जिसका छिलका बहुत हार्ड है। जैसे कि दे गिव अस एनर्जी, और साथ ही साथ वो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी मतलब हमें और भी प्रोटीन विटामिन मिलता है, एनर्जी मिलता है। एग्जाम्पल में हमने देखा है कि आलमंड, जिसको हम लोग बादाम बोलते हैं, ग्राउंड मतलब मूंगफली जिसको बोलते हैं, और कैश्यू जिसको
काजू बोलते हैं, ये सभी चीज कहाँ से आता है? तो ये सभी चीज स्टूडेंट्स नट मतलब जो भी है वो प्लांट से ही आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हमने देखा, जो भी हमने पढ़ाया है कि हम लोग अलग अलग पार्ट से जो प्लांट का है उससे हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत कुछ हम लोग को मिलता है, मेडिसिन है या और भी कुछ है, वो सभी चीज़ कहाँ से आता है? तो सारा चीज़ प्लांट से ही आता है, और साथ ही साथ प्लांट्स को हम लोग अवर ग्रीन फ्रेंड्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज आपका होमवर्क है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और साथ ही साथ याद करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।